ज्ञान मंथन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान मंथन। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद के अनुभव के बारे में। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका क्या परिणाम हुआ और इससे क्या क्या निष्कर्ष निकले, इसके बारे में हम आपको अपने इस वीडियो में आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिसने भी इस धरती पर किसी भी रूप में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़कर मृत्यु को गले लगाना ही है। यह इस संसार का शाश्वत सत्य है। हम सभी कभी ना कभी यह जरूर सोचते होंगे कि आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है। खैर, अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं मिला है। हाँ, यह जरूर है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक अपने अपने स्तर पर इसका जवाब खोजने में लगे हुए हैं, और थोड़ी सी ही सही लेकिन कुछ जानकारी हम सबको जरूर प्राप्त हुई है। एक बहुत बड़े मेडिकल स्टडीज में वैज्ञानिकों ने मौत से नजदीकी के अनुभव और शरीर के बाहर का अनुभव होने की खोज की है, जिसमें उन्होंने साबित किया है कि इंसान के मृत्यु के बाद उसका दिमाग पूरी तरह बंद हो जाता है, लेकिन तब भी उसके अंदर की चेतना और जागरूकता जारी रहती है। वैज्ञानिकों ने 4 साल तक 2000 जितने लोगों की जांच की है और उन्होंने देखा कि इनमें से 40% लोग ऐसे थे जो मर चुके थे और थोड़े समय के बाद इनका दिल फिर से धड़कने लगा था। इस जीवन और मृत्यु के समय के दौरान लोगों ने अपने अपने तरह की जागृता अनुभव करने का वर्णन किया है। कई लोगों ने मृत्यु के बाद अपने शरीर को पूरी तरह से छोड़ने के बाद खुद के ही शरीर को रूम के किसी एक कॉर्नर से देख सकने का अनुभव किया। उन्होंने अनुभव किया कि वे रूम में उनके शरीर से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित हैं और डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। वे लोग अपने आप को देख सकते थे। इलाज के वक्त कुछ लोगों ने 3 से 5 मिनट तक मर चुके होने के बावजूद उस वक्त के दौरान उस रूम में होती हुई प्रत्येक एक्टिविटीज का वर्णन किया। उसमें उन्होंने नर्सिंग स्टाफ के लोगों के काम का वर्णन किया और मशीन्स की आवाजें सुनी। ज्यादातर मामले में दिल धड़कना बंद हो जाने के बाद 20 से 30 सेकेंड के अंदर दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन इन मामलों में दिल धड़कना बंद हो जाने के 3 से 5 मिनट तक वहां पर भी शरीर में जागृता मौजूद होती है। कुछ लोगों ने असामान्य रूप से शांति की भावना का अनुभव किया, तो कुछ लोगों ने समय बहुत धीरे से चलने का या बहुत ही तेजी से चलने का अनुभव किया। कुछ लोगों ने सूरज जैसी सुनहरे रंग की बहुत चमकदार रोशनी को देखने की बात कही, तो कुछ लोगों ने किसी अनजान डर का अनुभव किया और कुछ लोगों ने खुद को गहरे पानी में डूबने का या गहराई में घसीटे जाने का अनुभव किया। कुछ लोगों को चमकदार रोशनी की टनल दिखती है जिसमें वे लाइट की ओर तेजी से जाने लगते हैं। 69% मामलों में लोग अपने आसपास एक असामान्य प्यार की मौजूदगी होने का अनुभव करते हैं। वहां पर उन्हें कुछ इंसान के आकार के रोशनी से भरपूर कुछ प्राणी दिखते हैं। कईयों का मानना है कि यह प्राणी उनके मरे हुए प्रियजन थे। कुछ लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारा प्यार और खुशी महसूस होती है। उन्हें पृथ्वी के जीवन से यहां का जीवन ज्यादा असली लगता है। उनको लगता है कि मानव शरीर वाला जीवन एक सपना था, लेकिन यह सच्चाई है। कुछ लोग भगवान से मिलकर वापस आने की भी बात करते हैं। कुछ लोग का कहना है उनको दिखने वाले रोशनी वाले प्राणी उनसे कहा, तुम्हारा यहां पर आने का अभी वक्त नहीं हुआ है, तुम्हें अभी बहुत काम करने बाकी हैं, इसलिए तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। कुछ लोग भविष्य की झलक देखने का भी दावा करते हैं, तो कुछ लोग असीमित ज्ञान प्राप्त कर लेने का दावा करते हैं। वैसे वैज्ञानिक अभी तक इस विषय पर पूरी तरह से सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसे अनुभव लोगों का भ्रम भी हो सकता है या फिर दिमाग के अंदर होती कई केमिकल रिएक्शन का परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन मौत से नजदीकी का अनुभव करने वाले लोगों ने जो देखा उस पर वह पूरा भरोसा रखते हैं। खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन अब यह देखना है कि साइंस भविष्य में कब इस विषय से पर्दा उठा पाएगा।
तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो इस चैनल पर दिखाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से यह जानकारी और दूर तक पहुँच सके। हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।